वेलकम बैक कार फॉर सेल सेल फॉर कार में आप सभी का स्वागत करते हैं। गाइस हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में काफी ज्यादा गाड़ियां बेची, उसमें से एक मिनी कूपे बेची थी, उसके अलावा एक पिकअप भी बेचा था, उसके अलावा भी गाड़ियां बेची थी जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और राइट नाउ इट्स $24,681 जो कि आप ऊपर देख सकते हो जस्ट मेरे इसके ऊपर सर के ऊपर। तो अब हम चलते सीधे ऑफिस में, ऑफिस जाके हम देखते हैं कि क्या क्या करना है आज। पहले तो सबसे पहले तो ऑफिस की साफ सफाई करनी है, काफी गंदा हो जाता है एक ही रात में। पता नहीं कौन आता है जो इतना कोल्ड ड्रिंक पी के और यही पी के चले जाता है। बट आज मैं सोच रहा हूँ कुछ हार्ड डिसीजन लेने का। उसमें से पहला डिसीजन है कि भाई मैं कुछ अच्छी गाड़ी परचेज करूं। अभी तो ऑफिस बंद ही है, कार मार्केट ओपन नहीं है, गैस स्टेशन भी नहीं जाना है, कंटेनर नहीं जाऊंगा। आप लोग बोल रहे थे रेड बार पे जाके आप पैसे कमा सकते हो, बट मैं सोचा ग्राइंड करके कमाए तो ज्यादा अच्छा है। और मैं जो साइड से जो ग्लिचेस है उससे कमाना नहीं चाह रहा हूं। मैं सोच रहा थोड़ा अच्छे से ग्राइंड करे तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो पहले तो चलते हैं नेबरहुड में एंड लेट्स सी कौन सी गाड़ी है जिसको मैं परचेस कर सकता हूँ। पैसा काफी अच्छा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मेरे को कि स्किल्स को डेवलप करना है। एंड इसकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज है, डर्टी भी है, पेंट भी खराब है, तो इस पे पैसा खर्च नहीं करेंगे हम। ऐसे गाड़ी में पैसा खर्च करेंगे जिसमें रिटर्न अच्छा मिले, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका है कि थोड़ा दिखना पड़ता है। अगेन देखो इसका ऊपर बम्पर पूरा का पूरा गंदा है, साइड पैनल भी गंदा है, तो इसमें पेंटिंग का वर्क बहुत ज्यादा है। तो देखो डैमेज भी काफी ज्यादा है, पेंटिंग का भी खर्चा और पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रही है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले इसको। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है और इससे हम ज्यादा पैसे नहीं देंगे। मैं मर्सिडीज की एक सोच रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, बट द थिंग इज दैट अगेन इट्स अ डैमेज पेंटेड का इशू। ये काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, 92,000 जो कि अभी तो औकात से बाहर है। लेट्स सी इसका भी क्या प्राइस देते हैं। ये आई थिंक इट्स लाइक अ इंडिका आती थी ना पहले एक लंबी सी, और इसमें पेंट वेंट का थोड़ा इशू दिख रहा है, तो मेरे को लगता है थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। बट अगेन द डैमेज इज वेरी हाई, 43%, 6,651। एंड इसको रिपेयर करके भी आई थिंक सो उतना कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। थोड़ा से और गाड़ियां देखते हैं, कौन सी कोई गाड़ी अच्छी मिल जाए। ये है ऑडी की Q7, मेरे को लगता नहीं कि इसकी कोई खास प्राइस मिले, क्योंकि इसमें जो व्हील्स है वो स्टील व्हील है, कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं है, और अलॉय नहीं है तो डिस्क ब्रेक दिखेगा नहीं तो ना कुछ खास प्राइस मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से ये मोस्ट प्रोबेबली 10,000 का कुछ प्राइस, 8,000। वन थिंग मेरे को समझ में आ रहा है इसमें डैमेज नहीं है, पेंट नहीं की जरूरत नहीं, डर्टी है एंड फ्यूल है, बट दो चीज को ठीक करके मैं अगर 10,000 से 12,000 में बेचता हूँ तो शायद तक मेरे को इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। बट अगेन द गाड़ी चल चुकी है 1,19,000 जो कि काफी ज्यादा चल चुकी है। एक्सपर्टीज से मैं पूछ सकता हूँ, बट थिंग इज दैट कि अभी एक्सपर्टीज पे 803 खर्चा करना कोई समझ नहीं है, करूँ क्या, क्या बोलते हो? एक्सपर्टीज पे करके देखते हैं, एक बार मैं देखता हूँ, मेरे को इसका पता नहीं है ये इसका कैसे क्या होता है। SP9 डालता हूँ, स्पेशल चेक करने बोलते हैं, अब इसको करने दो। ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैंने, अभी तक नहीं किया। ब्रांड इज गुड, स्पेशलाइजेशन इज ड्रैग द पेज टू द स्किप टू द पेज, ड्रैग करते हैं, ओके। ओ माइलेज ज्यादा, ओके ये ज्यादा चल चुकी है गाड़ी। एंड रिपोर्ट के हिसाब से कस्टमर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट ये सही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ है, बाकी सब तो ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम चार्ज कर सकता हूँ, बिकॉज थोड़ी ज्यादा किलोमीटर चली है और इसने झूठ बोला मेरे से। रिपोर्ट नॉट ओके बोल रहा है तो ठीक है। तो देखो भाई हमको चीज तो समझ में आ चुकी है, अबाउट से आई एम अपडेटिंग द प्राइस टू, देखा तुरंत प्राइस कम कर दिया, तो ठीक है बार्गेनिंग करते हैं अपन इसको, 7,000 से डील फाइनल करते हैं। लेट्स सी आई थिंक सो ये डील कर लेगा, यस सेटिस्फाइड दिस कार। मैं इसको 6,000 भी बोलता तो भी चल जाता, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी खराबी है और किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल अप करते हैं, एंटर करते हैं गाड़ी। Q7 का इतना सेक्सी साउंड कैसे हो सकता है यार, नाइस भाई काफी अच्छा साउंड है इसका। चलो भाई कैमरा एंगल चेंज करते हैं और सीधे चलते हैं अपने ऑफिस, रात हो चुकी है भाई। अच्छा भाई तेल डलवाया मैंने, इसकी गाड़ी साफ सफाई नहीं करी। एक काम करता हूँ मैं, घर चलते हैं। यार गाड़ी पीछे से इतनी क्यों हिल रही है, जब गाड़ी में कोई डैमेज नहीं कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यहाँ से चलना है, घर मेरे पास में ही है। मैं सोच रहा सोते हैं, सुबह उठते हैं और सीधे सीधे अपन इस गाड़ी का वॉश करते हैं और सीधे अपन लगा देंगे इसको बेचने में। होप फॉर द बेस्ट, काश इसमें अच्छा खासा प्राइस मिल जाए, बट मेरा $600 तो यार एक्सपर्टीज में चला गया, तो प्राइस थोड़ा मेरे को अच्छा एक्सपेक्टेशन तो है। अब मैं एक काम करता हूँ, जब एक्सपर्टीज से अपन पूछ ही रहे कुछ प्राइस और कम करेंगे, 7,000 की जगह अपन करेंगे थोड़ा कुछ और ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जब एक्सपर्टीज से पूछा है तो मेरे को 7 की जगह 6 भी बोलता तो शायद वो दे देता, बट इसका जो पिकअप है वो काफी खत्म है, काफी ज्यादा खत्म है भाई। मार्केट प्लेस ओपन हो चुका है, 16,000 रुपए पड़े मेरे पास। सबसे पहले काम करता हूँ मैं इसको बेचने का ट्राई करता हूँ, इससे थोड़ा सा प्राइस हो जाए तो। भाई मेरे को एक व्हाइट कलर की कोई गाड़ी दिखी, रुको 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 रुको,
लेट मी चेक, ये गाड़ी तो दिख रही है अच्छी खासी। कैसे हो भाई, कैसे हो? डैमेज ज्यादा है 25,000। देखो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले उस गाड़ी को बेचता हूँ, उससे थोड़ा सा अर्निंग करते हैं, उसका समझते हैं। लेट्स सी, शायद इससे मेरे को कुछ अच्छा खासा अर्निंग हो जाए। यार इसमें सिंगल ये एंगल नहीं हो सकते कि बाबा मेरे को ये चेंज क्यों करना पड़ रहा है? मेरे को देखना पड़ेगा यार, कोई अंदर सेटिंग होगी जिससे मैं इसका जो व्यू है, देखने का व्यू, वो थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। चलो ऑल राइट, हम अपने ऑफिस को टेक ओवर करके निकल रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं अपने फ्यूल स्टेशन। क्या साउंड थी इसकी, नाइस, बहुत सही साउंड थी भाई, बहुत सही साउंड थी। जैसे उसने वो गियर चेंज किया ना, साउंड तो भाई ताबड़तोड़ आया इस गाड़ी से। चलो भाई चलते, गाड़ी यहाँ रखते, दैट्स इट भाई, इस गाड़ी को दबा के धो दो। चलो भाई ये थोड़ी सी धुल जाएगी क्योंकि डर्ट ही बहुत है। तेल इसमें डाल दिया, डर्ट ने सटा दी, गाड़ी चकाचक हो चुकी है। मैं एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहता हूँ, मैं इसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखने वाला हूँ एंड लोग इसमें कितना प्राइस देने वाले हैं वो मेरे को चेक करना है, बस कि क्या ज़्यादा हाई प्राइस करने पे क्या हमको हाई प्राइस मिलता है वो मेरे को एक बार चेक करना है। ऑलराइट गाइस, हमारी गाड़ी पूरी पूरी धुल चुकी भाई, क्या प्यारी कर दी इसने भाई। चलो भाई व्यू चेंज करो, लेकिन इसमें हजार्ड लाइट क्यों जलता रहता? हजार्ड, चलो अगर हजार्ड लाइट बंद कर दो, बंद होगी, गाड़ी टकरानी नहीं चाहिए किसी से, टकरानी नहीं चाहिए। यार एक चीज़ समझ नहीं आया मेरे को, ऑडी Q7 है और इसमें अलॉय व्हील नहीं है, कैसे पॉसिबल है यार? ये तो अल्ट्रा लग्जरी कार होती है जिसमें 7-सीटर ऑप्शन होता है और अल्ट्रा मॉडर्न, ऊपर देख सकते हो सनरूफ भी है भाई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी काफी अच्छी होनी चाहिए थी। अरे यार फिर गंदगी, इसको अच्छे से लगाते हैं, इसकी थोड़ी फोटो वोटो खींचते हैं, क्योंकि हमारे पास अब आ चुका है टैबलेट, समझ लो टैबलेट है हमारे पास। तो काम करते हैं, पहले तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं क्योंकि भाई गाड़ी की आवाज़ बहुत बेकार लगती है, उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। चलो भाई शॉप को ओपन करने का समय हो चुका है, ओपन करते हैं, फटाफट से अपनी टैबलेट निकालते हैं। टैबलेट निकाल के पहले तो भाई फोटो क्लिक करेंगे, ऑडी क्यू एक फोटो ये कर देते हैं थोड़ी सी, और यहाँ से करते, ये फ्रंट एंड का हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इंटीरियर की फ़ोटो खींच देते हैं, आई थिंक दिस इज़ मोर लेस गुड। अब इसका मैं प्राइस ज़्यादा करके देखता हूँ कि कितना प्राइस मिलता है। मैंने अभी तक सिर्फ गैस किया कि ठीक ठाक मिल जाता है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, तो लेट्स सी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एंड पहले तो फोटोज हटा देता हूँ, कौन सी, ये वाली हटा देता हूँ क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इस गाड़ी को बेचा था, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और वेब पेज पे जाते हैं, ये ऑडी Q7 मेरे को लग ही रहा था। अच्छा एक चीज़ समझ में, मेरे को क्यू दबाने पर ये हट जाता है, तो मैं क्यू नहीं दबा सकता, इसमें करूँगा एक्सप्रेस SUV गुड वन, बस 7,050 का तेल, फोटोज ऐड करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगाने वाला हूँ, मैंने तो प्राइस हाई लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मैं एक बार चाहता हूँ कि 30,000 की अगर मैं प्राइस डालता हूँ तो क्या ये सेल होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने प्रॉपर रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स सी क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, देखते शायद अच्छी प्राइस में बिक जाए। कोई तो आ जाओ लेने के लिए, कोई तो आ जाओ, देखते भाई कोई अच्छे प्राइस में मिल जाए तो मज़े आ जाएगा। ऑफर द बेस्ट मैं सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा प्राइस मिल जाए तो अपनी नैया पार लग जाएगी। और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया यार, मैं तो वेट कर रहा था कि एक ग्राहक आए। यार मेरे को एक गाड़ी को है ना परफेक्टली, बोलते हैं ना जिसको एकदम परफेक्टली डिज़ाइन करना है, तो उसमें से मेरे हिट लिस्ट में है फरारी एंड पोर्शे, ये दो गाड़ियाँ जिनको मैं अच्छा खासा कलर करना चाहता हूँ। और एक और गाड़ी है, दैट इज सुपरा, टोयोटा सुपरा, वो एक्चुअल में 67,000 की उसकी पड़ रही है, तो मेरे को 1,00,000 का मुनाफा हो तो जाएगा उसमें से। बट द थिंग इज दैट कि मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ लोन ना लेना पड़े। और हाँ यार थोड़ा सा ये लुक भी चेंज करना है, लुक चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, और इवन मेरे जो स्टेशन है इसको अपडेट भी करना है। स्टेशन को मैं अपडेट अभी भी कर सकता हूँ वैसे तो, अगर आप अपडेट पर क्लिक करता हूँ, ये ऑफिस 1 है, 2,00,000 रुपए का ऑफिस है। अच्छा 2 कर सकता हूँ, बट मैं अभी 2 का सोच नहीं रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, हमारी पहली 2 कस्टमर आ चुके, पहली तो नहीं है 2 कस्टमर आ चुके हैं। लेट्स सी, Q7 है, अल्ट्रा लग्जरी कार है, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है, 30,000 है भाई, थिंक अबाउट द प्राइस 11,000। मेरे को लग रहा था, पता है ये लोग है ना जनरली प्राइस उतना ही रखते हैं जितना उनको लगता है, तो मैं इसको है ना 15,000 से ज़्यादा का मैं ऑफर देता नहीं हूँ। अब दिक्कत वो भी है ना, पहले के 3-4 कस्टमर चले जाते हैं ना, उसके बाद कोई अच्छा खासा प्राइस नहीं मिलता। 14,000, नॉट मोर देन दैट, 7,000 की तो खरीदी है, डबल तो प्राइस में कम से कमाऊँ, ले ले भाई, शायद ये नहीं खरीदेगी। अगर मैं इसको 13,500 भी करता हूँ ना तो भी शायद नहीं लेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये स्टिक हो चुकी है, डोंट सेल। एक बार इससे पूछते ये कितने देगी, ये दीदी भी मुझे लग नहीं रहा उतना कुछ प्राइस देगी, 30,000 रखा। देखा मैंने बोला था इनका प्राइस है ना उतना ही चलता है, जो इन्होंने प्राइस एक बार डिसाइड करके डाल दिया ना, डाल दिया, ज़्यादा भी आप रखते हो ना तो भी उतनी कुछ कमाई नहीं होती। मैं 12,500 कर देता हूँ, इतने मेरा पेट भर जाएगा, आई वुड से 12,000, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता भाई, मेरे तो भी अच्छा खासा
मार्जिन से पैसे कमा सकता हूँ। Unfortunately, no, I don't want. All right, guys, दो कस्टमर और आ चुके हैं, अब देखते हैं इनसे पूछते भाई कितना देंगे। देखो मेरे को डाउट होता है जब भी कोई नेक्स्ट कस्टमर आता है ना, वो पैसा काफ़ी कम बोलते हैं, 11,749। देख भाई 12,500 में बात फाइनल करते हैं, 12,500 से कम नहीं, तो भी मैं काफ़ी अच्छे मार्जिन से इस गाड़ी को बेच दूंगा, डबल प्राइस में भी। ओके गाइस, 29,000, माँ कसम भाई क्या बेच रहा हूँ इस गाड़ी, मज़ा आ रहा भाई। और एक और चीज़, कार मार्केट अभी ओपन हो चुका है, तो फटाफट से चलते कार मार्केट से गाड़ी लेकर आते, क्योंकि लास्ट टाइम मैं कार मार्केट में गया था, बट अगेन द थिंग इज दैट कि वहाँ पे मैंने गाड़ियाँ बहुत सारी देखी लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से आ गया। एंड दिस इज़ आई थिंक बीटल है, आई थिंक बीटल ही होगा, बीटल ही है क्या, यक्स बॉटल लिख के रखा है, वॉक्सवैगन बॉटल, बीटल है, अप्रूव्ड नहीं। एंड थिंग इज दैट आप बताइए आपका क्या स्टेटस है, डैमेज है, देखो डैमेज तो है, प्राइस 15,000 रुपये। यार ये गाड़ी बिकती है यार, ये पिकअप तो बहुत पसंद आ गया है, मेरे को लगता ज़्यादा प्राइस लेगा क्योंकि डैमेज भी है और गड़बड़ भी है, 16,700, और इसका है ना एक्सपर्टीज़ भी बहुत महंगा है, तो इस पर खर्च करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पहली अपनी SUV, मतलब मैं अपनी पहली कार लेना चाहता हूँ पोर्शे, प्लीज़ आप थोड़ा सस्ता हो जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़, 1,81,000 का इतना तो है ही नहीं मेरे पास अब, बट क्या लग रही है ब्लैक कलर में यार, क्लासिक लग रही है भाई गाड़ी। एंड ये कौन सी गाड़ी है, ये थोड़ी बजट की लग रही है, डैमेज थोड़ी ज़्यादा है इसकी यार, 22,000, बट इसको ले सकते हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक स्कोडा की है, स्कोडा की 30% डैमेज है भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज है, 34,000 है। एंड ये कितने की भाई भी तूने बताया, 23% डैमेज है, थोड़ा सा देखते हो जिसकी डैमेज थोड़ी सी कम हो, ये भी टेस्ला है, इसमें भी डैमेज है यार, डैमेज पेंट का दोनों का काम है, 60,000 रुपये बोल रहा है टेस्ला, इतनी महंगी। यार एक और मेरे को मिनी कूपी दिखी, रुको रुको कितनी दे रही है भाई, ये सस्ते मिल जाती मिनी कूपी, पता है ये मिलती है, देखो 11,000 की मिल रही है, मैं एक्सपर्टीज लूँ क्या, क्या बोलते हो, एक्सपर्टीज में मेरे को बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी, बट डैमेज में मैं खर्चा नहीं करना चाह रहा, विदाउट डैमेज गाड़ी मिल जाए भाई, विदाउट डैमेज है क्या, अगेन तेरी भी डैमेज है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा है यार, ये 30,000 भाई, गाड़ी काफ़ी महंगी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। बट एक पिकअप मेरे को अच्छी लगी, बट इसका प्राइस शायद ज़्यादा बोला था ना इसने, यस 16,000, बट अगेन द डैमेज मैं, और किलोमीटर कम चली है तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा गड़बड़ किया है, बार्गेन अपन कर सकते इसमें, थोड़ा सा पैसा लगा के बार्गेनिंग कर ले तो काम हो जाएगा, क्या बोलते हो गाइस, एक्सपर्टीज से पूछते एक बार, कम दाम में मिल जाए तो। अब देखते हैं क्या निकल के आती है रिपोर्ट, मेरे हिसाब से थोड़ी गड़बड़ है इसकी रिपोर्ट में, पहली समझ में आ रहा है, नहीं रेस की सारी चीज़ें सही है, सारी रिपोर्ट सही है, ओके रिपोर्ट ओके है, अरे यार ये तो फिर तो पैसे कम ही नहीं करेगा। दीदी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या क्या आप 16,700 है तो 15,000 लेंगे क्या, 15,000 में डील फाइनल करो ना, आई एम थिंकिंग अनफॉर्चुनेट द ऑफर इज टू लो फॉर मी, तो आई थिंक 16,000 इज गुड, 1,000 रुपये खर्चा कर ही दिया तो भाई ओके, आई थिंक भेज दिया मेरे को, वाओ कुछ स्किल ओपन हुआ, घंटा को स्किल ओपन हुआ नहीं हुआ, ये क्या दिक्कत है भाई इसमें, चलो फिर चल, रात हो गई गाइस, रात हो गई। ओपे इसका इंटीरियर देख रहे हो गाइस, इंटीरियर तो भाई बहुत तगड़ा यार, बट इस गाड़ी में पिकअप की बड़ी कमी है यार, मेरा घर है किधर, इस साइड है कि इस साइड है, अरे यार इसमें पिकअप तो मज़ा ही नहीं आया यार, पिकअप में तो एकदम ही बकवास लगी गाड़ी मेरे को, या मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है नुकसान में ना चली जाए गाड़ी, मेरे को ऐसा डर लग रहा है इस गाड़ी पे, पता नहीं क्यों, लेट्स सी शायद कुछ अच्छा प्राइस मिल जाए, चलो भाई सीधे चलते हैं, क्या गैराज में जाना पड़ेगा क्या यार, 35% अगर रिपेयर करने जाओ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें गियर शिफ्टिंग का एक तरीका है, शिफ्ट दबाओ, सेकेंड गियर लग गया, गाड़ी चलती जाएगी, थोड़ी सी और स्पीड पकड़ेगी, जैसी थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी मैं सडनली इसका गियर चेंज कर दूंगा, लाइक दिस, थर्ड गियर लग चुका है, ये मैनुअल गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, यस इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट्स एन मैनुअल कार, तो चलो भाई, वैसे इसकी स्पीड काफ़ी कम है, काफ़ी कम नहीं लग रही, अंकल जी धो दीजिए प्लीज़, थोड़ी जल्दी गाड़ी धो दीजिए प्लीज़ यार, मेरे को गाड़ी बेचना है यार, बहुत ज़्यादा बेचना है यार, इसमें नुकसान नहीं खाना चाहता मैं यार, मेरे को कुछ वैसे हैवी वैल्यूएबल जो प्राइस मिलती है ना वैसा नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा वैल्यूएबल मिले, मैं गाड़ी रिपेयर भी कर दूँ कुछ भी कर दूँ, अगर प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर जस्टिफाइड नहीं है वो चीज़, पता है फिर मेरे को नुकसान हो जाएगा,
पहले गाड़ी तो धुल चुकी है, इसमें से तेल डलवाना है, तो तेल डलवा देते, गाड़ी लगा देते, फिर देखते कितनी बिकती है। काम करते, तेल डलवा देता हूँ, $50 का तेल चला गया। कोई नहीं, तेल फुल हो चुका है, गाड़ी हो चुकी है, धुल चुकी है, चकाचक नहीं हो चुकी, थोड़ी सी डैमेज्ड है, बट लेट्स सी, शायद हमको अच्छा प्राइस मिल जाए शायद, बट समझ नहीं आया मेरे को। पहले तो गाड़ी बाहर ही खड़ी करो, बाहर निकलो और इस गाड़ी को, इस कूड़े को फेंको बाहर। एक काम करता हूँ, गाड़ी आज बाहर ही रखता हूँ, क्यों अंदर रखना, इधर इधर ही सेल करते ना। कहाँ गया मेरा टैबलेट? टैबलेट पहले तो पुरानी फ़ोटोज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराने फ़ोटोज़ नहीं चाहिए मेरे को, नई फ़ोटोज़ और क्लिक कर लेते। पहले तो ये अच्छा लग रहा फ्रंट एंड से, रियर एंड नहीं शो करूँगा, ये सेकेंड हिस्सा कर दिया। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं एंड यहाँ से आएगा इंटीरियर का, एक फ़ोटो इंटीरियर का भी खींच देते हैं। चलो गाइस, ये तो ठीक है, एंड टैबलेट्स पे जाते हैं एंड इसको मैं भेज देता हूँ। ये है डॉज पिकअप, यार इसका तो बहुत डैमेज है यार, यार ये तो अच्छा, ओके गाड़ी मेरी अंदर नहीं है, ओहो ये चीज़ समझा मैं अब। चल भाई कोई नहीं, थोड़ा सा अंदर लगा देते। ये चीज़ समझ में, मेरे को सेल तभी होगी जब आपकी गाड़ी आपके ऑफिस में खड़ी होगी तब। अच्छा ऐसा है, अरे गाड़ी क्यों टकरा रही है भाई? अरे यार एक तो इसका साउंड इतना ज़्यादा है ना। चलो अभी काम करते बेचते हैं, अब बिकेगी क्या? आई थिंक सो अब बिक जाएगी। यस मेरे को लग ही रहा था। डॉज नहीं, पिकअप ट्रक। अब मैं इसमें 16,050, यार इसमें 20,000 भी डालने में डर लग रहा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, पहला कस्टमर आ चुका है, ये टोपी वाला हमेशा आ जाता है, पता नहीं क्यों इतने जल्दी आ जाता है। यार एक चीज़ समझ नहीं आई, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है जब ये मेल है तो? ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है भाई? देख रहे हो कितनी ख़राब है गाड़ी यार, पता नहीं कितना ही बोलेगा ये, 46% डैमेज्ड है, 20,000 बोला है, इतना देता है। इट्स अ फेयरवेस, आई विल बाय इट गाइस, 20,000 में बिक्री गाड़ी, 4,000 का मुनाफा सीधा, $31,000 हो चुका गाइस, दिस इज गुड, दिस इज रियली रियली गुड। ऑक्शन वाली जगह पे जा सकते क्या? मैं एक बार एक काम करता हूँ, नेवरोड जाता हूँ, नेवरोड पर देखता हूँ कुछ अच्छी गाड़ी मिल रही है क्या। अभी ऑक्शन में नहीं जा रहा भाई, पैसे 31 ही है, क्या ही जाएंगे। और कुछ लेवल अप हुआ क्या भाई? लेवल अप ही नहीं हो रहा, अनलॉक घंटा, कुछ भी अनलॉक नहीं हो रहा भाई। ये वैन है, वैन की क्या स्टेटस है? क्यों कितने में दे रहा तू? देखो डैमेज नहीं है, पेंटेड भी की जरूरत नहीं, डर्टी है, फ्यूल बस करना है। एंड 49,000 एक्सपर्टीज में नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये गाड़ी में मैं इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल तो। एंड दिस इज़ आई थिंक, ये थोड़ी ऊँची लग रही है, सुपर है क्या? ऑडी S4 है, डैमेज्ड है, 15,000 रुपये बोल रही है। नहीं यार ऑडी वॉडी पे नहीं है, थोड़ा सा और अच्छी गाड़ी। यार ये वैन बिकती है क्या? पता नहीं, वैन वैन बिकती भी है कि नहीं बिकती, बट पहली बार किसी ने 20,000 में डील फाइनल की है भाई साहब, खुश हो गया मैं तो देख के, सच में खुश हो गया भाई, सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड आई थिंक इट इज़ चेवोले की समथिंग है कुछ, फंडा होंडे फंडा 11,400, डैमेज काफ़ी ज़्यादा, पेंट करने की भी ज़रूरत है, मतलब गंदी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यस याला पार्ट पूरा गंदा है, पीछे वाला पार्ट भी गंदा है, यस इसमें डैमेज पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। एक बार इधर चल के जाते, अरे यार ये टेस्ला है ना, टेस्ला बहुत महंगी मिलती है यार, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती, पता नहीं क्यों। शायद मैं एक टेस्ला बेचूंगा तो अच्छा खासा प्राइस हो जाए। 58,000 मतलब 31,000 है तो 58,000 मुझसे बोल रहे हो, कहाँ से दूंगा मैं? एंड ये हमेशा मस्टैंग दिख रही है गाइस, इज इट रियली अ मस्टैंग? यस इट इज़ अ मस्टैंग भाई, कितना 48। यार काश मेरे पास पैसे होते यार, मैं भाई मजाक नहीं करूँ, ये मस्टैंग में खरीद के ले आता यार मैं ले लूँ क्या इसको? कितना कम पड़ रहा है मेरे को, रुक जा, मेरे को पड़ रहा है 31,000 और 48 बोल रहा है, तो मेरे को समझ लो 31, 48 मतलब कम से कम 17,000 और चाहिए, तो मैं लोन लेकर आता हूँ भाई, मैं मस्टैंग लेके जा रहा हूँ, मेरे को मस्टैंग चाहिए, मतलब चाहिए, इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। एंड मेरे एरिया में अभी भी मस्टैंग नहीं है, मैंने अभी तक परचेज भी नहीं करी, बट मैं लोन लेके ले सकता हूँ तो ले लेंगे, उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद उसको हम लोन चुकाने में यूज़ करेंगे। ऑफिस चलते हैं, मैं थोड़ा सा लोन लेकर आता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मेरे को लोन लेना पड़ेगा इसके लिए, तो
पहले चलते भाई, इसको तो रिट्यून करूंगा, सब कुछ करूंगा। मस्टैंग ऑब्वियसली येलो कलर में या फिर ऐसे कुछ कलर में काफी अच्छा लगेगा, तो आई विल गो फॉर ऑब्टेनिंग। वेब पे चलते हैं, बिल्स देख लेते हैं, बिल्स कुछ आया है क्या? मेरे हिसाब से अभी तो कुछ नहीं आएगा। बैंक से लेते हैं कम से कम 20,000 का लोन, 20,000 का मेरे को लोन चाहिए, दे दो। चलो 20,000 मिल चुका है, 20,000 मेरे पास आ चुके हैं, यस 51,000 हो चुके हैं अप्रूव्ड। चलो भाई सीधे चलते हैं मस्टैंग खरीद के लाते हैं, मेरे को मस्टैंग लेना है, मतलब लेना है। 51,000 हमारे पास हो चुके हैं, लोन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको वो गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए मैं अपने एक्सपर्टीज को भी बुलाऊंगा, जो एक्चुअल में गाड़ी चेक भी करेंगे प्रॉपर वो है कि नहीं। अगर प्रॉपर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई थोड़ा नेगोशिएशन करके हम हमारा पैसा भी बचा सकते हैं। थोड़ा बहुत बचेगा, बट ज़्यादा नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ा तो बचा लेंगे कम से कम। दीदी मैं आ चुका हूँ, प्लीज़ मेरे को मस्टैंग चाहिए, बट मैं थोड़ा सा पूछ के बताऊँगा कि आप 4,000 का एक्सपेक्टिस बार्गेन करके देखते हो। कैन यू गिव मी ऑन $45,000? इट वुड बी बेटर ऑप्शन, आई थिंक सो। द प्राइस इज नॉट व्हाट आई होप फॉर, सो ओके 47,000 आई थिंक, 47,000 आई थिंक आप एग्री कर जाएंगे। इतने में तो आप बिक ही जाओगे यार, आराम से बिक जाओगे यार। इज द गाइस मिल चुकी है भाई, मेरा कुछ खुला क्या? अरे यार नहीं खुल, क्या है वे, बट भाई साहब साउंड सुनो, वो क्या साउंड इसकी भाई, क्या रोर है इस गाड़ी में यार, क्या रोर है और क्या टेल लाइट है यार। ये एक्चुअल में मसल कार है भाई, एक्चुअल मसल कार। मैं क्या सोच रहा, सो जाता हूँ फिर या तो उसको रिपेयर कराता हूँ। भाई क्या ब्लास्ट मार रहा पीछे से भाई, क्या पॉप कर रहा भाई, मजा आ गया इस गाड़ी में तो। इतनी सुकूनदायक गाड़ी है भाई, ओ थोड़ी सी ठुके कोई नहीं। इस गाड़ी में कलर करने वाला हूँ, पुताई करने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ। और मेरी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार होगी भाई। क्या साउंड इसका पीछे, बम देख रहे हो, पहले तो मैं इसको रिपेयर करूंगा। भाई क्या साउंड आ रहा है इस गाड़ी का, कैसे इतना तगड़ा साउंड आ सकता है यार। यार इसको रिपेयर करो, मुझे नहीं पता कितना भी पैसा लगे तुम इसको रिपेयर करो, वैसे 2% इसका खराबी है। चलो भाई इसको रिपेयर करो, फटाफट से इसको रिपेयर कर, छोटे रिपेयर कर, $20 का बस, बस $20 में काम हो गया भाई। थोड़ा सा 1% की इसमें खराबी थी, कूल हो चुका है। इसकी कलरिंग करते, मस्टैंग की कलरिंग बहुत जरूरी है, नाइस। बॉडी पे थोड़ा काम हो जाए, क्या बोलते हो? अरे टकराना नहीं भाई। कार मार्केट खुला हुआ, खुले रहे तो भाई। मस्टैंग मिल गई मेरे को, मस्टैंग। एक काम करते हैं, इसमें अच्छा खासा कलर डालता हूँ मैं। भाई साउंड कितना प्यारा है, कितना प्यारा है भाई। पेंट बहते, नहीं टकराना नहीं भाई। आजा भाई पेंट कर दे तगड़ी सी। मैं क्या सोच रहा हूँ, पार्ट्स पे, वाओ पार्ट्स इस लुक। कार का कलर हम करेंगे पूरा रेड, क्या तो कलर आ रहा है भाई, मेटालिक कलर देख रहे हो। दिस इज कॉल्ड मस्टैंग। मस्टैंग ग्रीन में अच्छी लग रही है, इसका कलर ऐसा करते हो, इसको थोड़ा डार्क करते, ना थोड़ा सा और बेहतर पॉलिश, थोड़ी सी स्मूथनेस कर देते, नाइस। मेटालिक हल्का सा तो थोड़ा सा और ऐसा, नाइस। कैसे लग रहा है भाई, पॉलिश नाइस। रिस्टोर, चलो हो चुका मेरे हिसाब से। थोड़ा सा पैसा इसमें खर्चा कर दिया मैंने। साउंड तो तगड़ी हो चुकी भाई, बहुत तगड़ी हो चुकी है, बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। अरे ये हुआ नहीं, अरे कलर क्यों नहीं हुआ, अरे ये कलर क्यों नहीं हुआ, कलर क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, पहले बता कलर, कलर क्यों नहीं हुआ भाई। इसको ग्रीन करा, पूरा ग्रीन करा, पेंट ऑल कार ये आएगा ना, ओके पेंट कर दिया, ठीक है इतना बहुत है, बहुत है मेरे भाई। अब दिख रही ना, मैं वही बोलूं क्या हो गया भाई, कलर क्यों नहीं दिख रहा इस गाड़ी का, इतनी महंगी कलरिंग की है। बस इसकी सफाई करते साथ ही ये बन जाएगी तगड़ी गाड़ी भाई। साउंड ने तो भाई दिल जीत लिया। गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, गाड़ी अच्छी खासी हो चुकी है। पिकअप देख रहे हो गाइस, पिकअप तगड़ी पिकअप है भाई, तगड़ी पिकअप है, तगड़ी तगड़ी बहुत तगड़ी। 1,00,000 में तो बेचूंगा इसको कैसे भी करके, और इसको सफाई करने बोल देता हूँ, $50 में तो पूरा साफ सफाई कर देगा और चमक जाएगी गाड़ी अपनी। फिर इसको बेचते ही एकदम परफेक्ट प्राइस में, जिसमें हमको अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है। ये गाड़ी कब आ गई भाई, मैं तो यही खड़ा था। ये आदमी कुछ करता तो है नहीं, जब ऑटोमेटिक है सब कुछ, जब $50 में सब कुछ ऑटोमेटिक है, तू भी हट जा भाई। पेट्रोल जैसे हम खुद भर सकते हैं, ये चीज़ भी हम खुद ही कर लेंगे ना भाई, क्या कर रहा भाई। एक बात बताओ, मैंने इसमें अभी तक कितना इन्वेस्ट कर चुका, मेरे को देखने दो। आई थिंक सो मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया, $790 कंप्लीट कर चुका है इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट। 47,000 मैंने खर्चा किया है, तो मतलब 48,000 में खर्चा कर चुका है इस पर। कलर देख रहा हूँ क्या खिल के आया है इसका कलर,
भाई इसको बेचने चलते हैं फटाफट से इसको बेचते फटाफट। वैसे रात हो गई है, मैंने इसको अभी क्यों धोया यार, इसको मैं बाद में भी धो सकता था पता है, लुक सो डैम गुड। चलो भाई इतना सही है, एक काम करते बैठते गाड़ी बंद करते हैं, कचरा उठाते अरे ये तो कर चुका हूँ मैं कचरा उठ, अरे ये क्या कर रहा है, एक काम करता हूँ ना इसकी फोटो खींच लेते अपन फटाफट से, पहले तो सारे फोटो डिलीट करो भाई, रात होने वाली है मेरे को लग रहा है फिर से ना खर्चे हो जाएंगे। वो मस्टैंग क्या प्यारी लग रही है यार, क्या प्यारी लग रही है ना, इसको सेव कर लेते और इसको भी इंटीरियर खींच देते अंदर से, एक ये भी ठीक है सेव करते। यार रात हो गई क्या, नहीं हुई अभी तो दोपहर का टाइम ही हो रहा है, ठीक है ये भी एक एक फोटो और बन जाती है। चलो भाई अब इसको बेचा जाए, क्या बोलते हो गाइस, अब बेचने का समय हो चुका है। मस्टैंग इसका डालूंगा मैं $1,00,000 $1,00,000 को डालो, इसको डालो पुट इट ऑन सेल, क्या बोलते हो गाइस, ये मेरा उतना प्रॉफिट करेगा भाई। इसको खरीदने के लिए तो लोग जल्दी आना चाहिए यार, लेट नहीं करना चाहिए। ऑलराइट गाइस पहली कस्टमर आ चुकी है $1,00,000 और मस्टैंग खरीदने के लिए। हाउ मच यू वांट टू गिव 51,000 इसकी परचेजिंग ही नहीं है, उससे ज़्यादा की परचेजिंग है, आई वुड से अराउंड 60,000। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, अदरवाइज ये मैं खुद के लिए भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 51,000 नो आई डोंट वांट टू सेल विथ यू। चलो इससे पूछते हैं भैया आप कितना दोगे, सब कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज जेन्युइन, 48,000 इज वेरी लेस, आई डोंट वांट टू सेल, इसकी क्वालिटी अलग है भाई, इस गाड़ी की क्वालिटी अलग है, इसको मैं ऐसा नहीं बेच सकता। वेब पेज पे चलते एक बार इनको देखना यार, इसकी एक्चुअल में ये चीज़ ओपन नहीं हो रही यार, ये चीज़ पता चल जाए ना तो मैं उस हिसाब से प्राइस इसकी सेट करूँ यार। ऑलराइट गाइस एक और कस्टमर आ चुका है, लेट्स सी ये कितना बोलता है। भाई मेरे को लोन भी चुकाना है, तुम अगर 2,000-3,000 रुपये दोगे तो कैसे ही लोन चुकाऊंगा मैं, बता भाई कितना देगा तू, सब कुछ है ABS इंस्टॉल्ड है, 46,000 कमॉन, 47,000 की मैंने परचेजिंग है, और कमॉन मैन मैं बता रहा हूँ 60,000 से कम मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ, अगर तुम खरीद सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं खुद खरीद लूंगा। भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, पता नहीं क्यों इतना कम प्राइस क्यों दे रहा है मेरे को, ना भाई तेरे को बेचूंगा ही नहीं, नॉट नेगोशिएबल, हटा भगा यहाँ से यार, या तो मैं खुद यूज़ कर लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं खुद ही परचेस कर लूंगा, खुद ही अपने लिए चला लूंगा। बिल्स कुछ आया है क्या भाई, मेरे को बिल्स का बड़ा टेंशन आ रहा है, बिल्स कितना आया है, नो बिल्स, दैट इज गुड। ऑलराइट गाइस एक और कस्टमर आया, दो और कस्टमर आए हैं, अब देखते भाई ये दोनों क्या, पहले तो आंटी से बात करते हैं, मैंने ₹1,00,000 रखा तो है, हे डूड यस 50,882 यार 50,000 कैसे यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, 55,000 इज मोर और लेस गुड, दे दे यार 58,000 54,000 यार कुछ गड़बड़ है यार, मैं ज़्यादा ऑफर ट्राई भी कर रहा हूँ ना तो भी कम ही आ रहा है, मतलब एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, ओके गाइस 54,000 में हमने मस्टैंग बेच दी, ओके वेब पे जाते लोन जो लिया उसको चुका देते भाई, अरे लोन चुकाना है पूरा का पूरा, ऐसा ना करो मेरे साथ, मेरा हालत बेकार हो जाए तो समझ नहीं रहा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, $57,000 गाइस आज की वीडियो बस इतना रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली हम लोगों ने एक मस्टैंग ले लिया और हमारी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार जो हम लोगों ने कार फॉर सेल सीरीज में ली है। सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।